गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साथियों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट एवं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके। इसी के साथ साथ गायत्री कॉलेज साथियों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। आज का अपना जो पादप उत्तक संवर्धन से संबंधित पार्ट फोर भाग चार के बारे में अध्ययन करेंगे। कल अपन डिस्कस कर चुके थे पादप उत्तक संवर्धन के कुछ प्रकार, और उसी को आज अपन आगे बढ़ाते हुए कि पादप उत्तक संवर्धन के प्रकार, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस तकनीक से अपन पादप, संपूर्ण पादप को किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन, यानी कि लैब कंडीशन में अपन पादप के कौन कौन से भाग को लेकर के संवर्धित करके एक संपूर्ण पूरे एंटायर प्लांट को विकसित करने की जो गुण है उसके अलग अलग प्रकार। पादप उत्तक संवर्धन तकनीक के प्रकार यहाँ पर मैंने अलग अलग प्रकारों के नाम लिखे हैं। इन सभी प्रकारों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है वो है कैलस संवर्धन। और कैलस क्या है? अविभेदित कोशिकाओं का समूह है। अविभेदित कोशिकाओं का समूह कैलस कहलाता है। तो सर, इस कैलस को हमें निर्मित करना है तो इस तकनीक के द्वारा कैसे करेंगे, इनके बारे में भी वन बाय वन एक एक का डिस्कशन करेंगे। इस कैलस से आप अंग जनन की प्रक्रिया को संपादित करवा करके एक संपूर्ण पादप को निर्मित कर सकते हैं। ये जो कैलस आपने इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में बनाया, उस कैलस से आप जड़ विकसित कर सकते हैं और जड़ से एक संपूर्ण पूरा पादप विकसित किया जा सकता है। तना बना सकते हैं, सूट डेवलप कर सकते हैं और सूट से एक संपूर्ण पादप को विकसित किया जा सकता है। और इसी कैलस से आप सोमेटिक एम्ब्रियो, ठीक है, कायिक भ्रूण का भी विकास कर सकते हैं और इस कायिक भ्रूण से संपूर्ण पूरे पादप को भी निर्मित किया जा सकता है। ये सब कृत्रिम रूप से इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में कार्य संपन्न होते हैं, ठीक। दूसरा है सेल सस्पेंशन कल्चर, या हिंदी में कहना चाहूं तो कोशिका निलंबन संवर्धन। यहां पर क्या किया जाता है कि इसका जो संवर्धन होता है, जो सेल सस्पेंशन कल्चर है, इसका जो कल्चर मीडियम होता है, उसका माध्यम कैसा होता है? तरल माध्यम होता है। और तरल माध्यम को एक घूर्णित मशीन आती है, उस घूर्णित मशीन की सहायता से इसको घूर्णित किया जाता है ताकि जो आपका प्लांट मटेरियल है, उस प्लांट मटेरियल को ऑक्सीजन और पोषक तत्व है वो उपलब्ध मात्रा में मिल सके। तो ये दूसरा प्रकार है इसका, सेल सस्पेंशन कल्चर के माध्यम से भी आप पहले इसमें कैलस डेवलप करेंगे और कैलस से कुछ भी अंग जन्म करवा सकते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो का निर्माण कर सकते हैं और सीधा ही एंटायर प्लांट पूरे पादप को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा प्रकार है जीव द्रव्यक संवर्धन। इसको इंग्लिश में मैं कहना चाहूं तो वो उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने की टेक्निक्स, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट है क्या। तो उस समय बताया था कि विदाउट सेल वॉल ऑर्गन, कोशिका भित्ति के बिना पादप में कोशिका भित्ति के अतिरिक्त जितना भी भाग है वो आपका क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। तो आप जीव द्रव्य को कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवा करके एंटायर प्लांट को विकसित कर सकते हैं। अगला है पराग कोष एवं पराग कणों का संवर्धन। इसको अपन इंग्लिश में कहना चाहे तो इसको कहते हैं हैप्लोइड कल्चर, हैप्लोइड कल्चर। और पराग कोष नर युग्मक के रूप में काम करता है और नर युग्मक की जो प्रकृति होती है वो एन होती है, अगुणित होती है, हैप्लोइड होती है, इसलिए इसको कहते हैं हैप्लोइड कल्चर। और इस हैप्लोइड कल्चर में अपन पादप के पुष्प का जो जनन अंग का पराग कोष है उसको संवर्धन करवाएंगे कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर,
और उनसे एक नया पौधा विकसित किया जाता है। तो ये अगेन एक दूसरी तकनीक होगी। दूसरा है अंग संवर्धन। अंग संवर्धन में अपन पादप की जड़ लेकर के नया पादप विकसित कर सकते हैं। तना ले लिया, ठीक है, पत्तियां ले ली, इसके अलावा आपने ये अपने पुष्प पुष्प का कोई भाग ले लिया, पुष्पीय भाग इत्यादि कोई भी पादप के अंग को लेकर के कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवा करके एंटायर प्लांट पूरे संपूर्ण पादप को विकसित किया जा सकता है। अगला है भ्रूण कोष संवर्धन। अब भ्रूण कोष के संवर्धन से हमें कौन से पादप मिलेंगे? ट्रिप्लोइड या त्रिगुणित पादप को विकसित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो भ्रूण कोष है, इस भ्रूण कोष की प्रकृति या नेचर कैसी है? थ्री एन गुणसूत्र पाए जाते हैं और थ्री एन गुणसूत्र पाए जाने के कारण इस भ्रूण कोष के संवर्धन को करके आप त्रिगुणित पादप विकसित कर सकते हैं। त्रिगुणित पादप विकसित करना है, एक्स प्लांट के लिए भ्रूण कोष काम में लेंगे। अगुणित पादप विकसित करना है, एक्स प्लांट के रूप में आप पराग कोष या पराग कणों को एक्स प्लांट के रूप में काम में लेंगे। और जब अपन स्टार्टिंग में बात की थी तभी आपको बताया था कि अलग अलग उद्देश्य के लिए, अब हमारा उद्देश्य एक नहीं है कि एक पादप विकसित करना। इस तकनीक के माध्यम से हमें कॉमर्शियल प्रोडक्ट तैयार करने, कॉमर्शियल प्रोडक्ट का मतलब समझते हो कि कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं पादपों में, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, द्वितीयक उपापचय होते हैं, ठीक है, जैसे कि अफीम से एल्कलॉइड्स प्राप्त होता है। तो अब हमें उनका ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करना, ज्यादा संख्या में इसका किस प्रकार से गुणन करें तो उनसे हमारा एक अतिरिक्त आय का स्रोत है वो बन जाए। तो प्रकृति में तो ये जो इसका एक निश्चित टाइम पीरियड है, उस निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत ये वो फसल है वो तैयार होगी। लेकिन हमारे पास ये टेक्निक्स है, इस तकनीक के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, कम समय में कम जगह में बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करके अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त करके इसका कमर्शियलाइजेशन उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में पादप के जिस जो भाग पादप का उपयोगी है उस उपयोगी भाग को लेकर के अपन संवर्धित करवा करके उसका कमर्शियलाइजेशन उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो मुख्य एम या इसका मोटो क्या है, कम समय में कम जगह में बहुत सारा उत्पादन प्राप्त करना ताकि जिन आवश्यकताओं की पूर्ति है, जैसे कि कोई इस प्रकार की औषधियां बनती है, दर्द निवारक दवाइयां इत्यादि बनती है, कुछ पादपों की जड़ें होती होगी, किसकी पत्तियां हैं, किसी का तना है, तो उस जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक भाग है उसी का मल्टीप्लीकेशन करवा पूरे पादप को विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इन इन तकनीक या इन इन कल्चर का प्रयोग करके आप एंटायर संपूर्ण पादप को भी विकसित करने की इसमें कैपेसिटी है वो गुण पाया जाता है। अब अपन वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला आज अध्ययन करेंगे वो रहेगा कैलस का संवर्धन, अपन इनसाइड लेबोरेटरी कंडीशन में किस प्रकार से कर सकते हैं। अब अपन पहला संवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका कैलस कल्चर। अब कैलस को हमें कल्चर करना, तो ध्यान दें सबसे पहली बात करें कैलस कल्चर, कैलस बनेगा पहले कैलस बनाना हमें कहाँ बनाना है, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में क्या बनाना है, कैलस बनाना। कैलस बनाने के बाद अंग जनन का प्रोसेस बाद में करें, कब करेंगे बाद में। तो सबसे पहले इस कैलस को संवर्धित करने के लिए हमारे पास चाहिए कृत्रिम संवर्धन माध्यम, कृत्रिम संवर्धन माध्यम जिसमें सभी प्रकार के वह पोषक तत्व होंगे जो एक पादप की वृद्धि और विकास करने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो इन सभी पोषक तत्वों का एक संवर्धन माध्यम क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक। इस माध्यम को सबसे पहले अपन ने तैयार कर लिया और माध्यम तैयार करते समय एक केमिकल आता है जिसका नाम है 2,4-D, ठीक है। 2,4-D एक प्रकार का कृत्रिम ऑक्सीजन, क्या है, कृत्रिम ऑक्सीजन। इस कृत्रिम ऑक्सीजन को जो आप कृत्रिम संवर्धन माध्यम तैयार कर रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क बीकर में, जिसमें
उसमें आप इस केमिकल को मिलाएंगे। ये कृत्रिम ऑक्सीजन 2,4-D क्या करता है कि इस कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर कैलस के निर्माण को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। और कैलस के निर्माण को प्रेरित करने के लिए ये काम में लिया जाता है। इसका पूरा नाम है 2,4-Dichloro-Phenoxyacetic Acid। ये इसका पूरा नाम है 2,4-D का, एक प्रकार का आपका कृत्रिम ऑक्सीजन है। अब हमने कृत्रिम संवर्धन माध्यम क्या कर लिया, तैयार। अब इसके अंदर आपका कृत्रिम संवर्धन माध्यम क्या है, तैयार। अब इस कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर हमें इनोकुलेशन करना है, मतलब सरोपण करना। क्या करना है, सरोपण करना है। सरोपण किसका करना है, एक्स प्लांट का। सरोपण कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर सरोपण करेंगे किसका, एक्स प्लांट का। अब हमें क्या बनाना, हमारा एम मोटो क्या, उद्देश्य क्या है, कैलस बनाना। क्या बनाना, कैलस बनाना। तो हमें कैलस बनाना है तो अपन एक्स प्लांट के रूप में पादप का कोई भी भाग उपयोग में ले सकते। ये एक्स प्लांट के, एक्स प्लांट जड़, तना, पत्तियां, बीज, पुष्प या कोई भी भाग आप पादप का लोगे और आपके कृत्रिम संवर्धन माध्यम में 2,4-D का विलयन बना हुआ है तो ये 2,4-D पादप के किसी भी एक्स प्लांट जो आपने लिया है उनसे आपका क्या बनेगा, कैलस बनेगा। कब बनेगा ये सर, ये आपका एक्स प्लांट कर्तोतक, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं कर्तोतक। और कर्तोतक क्या होता है, पादप का कोई भी भाग हो सकता है, जड़, तना, पत्तियां, अपन कैलस निर्मित कर रहे हैं। अब इस एक्स प्लांट को हमें इस कृत्रिम संवर्धन माध्यम के अंदर क्या करना, इनोकुलेट करना। ये आपका कृत्रिम संवर्धन माध्यम बना हुआ, इस एक्स प्लांट को आप इसके अंदर क्या करेंगे, सरोपित करेंगे। सरोपण कर दिया। अब सरोपण करने के बाद जो आपका आता है कल्चर रूम, संवर्धन कमरा। कल्चर रूम के अंदर इसमें जितनी भी फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि पादप जो बाहर सर्वाइव करता है तो इसको प्रकाश, ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता, मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व, ये सब चीजें वहां से मिल जाती है। लेकिन ये काम अपन कहाँ कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से कर रहे हैं। तो हमें सारी की सारी जो बाहरी वातावरण में जो कंडीशन पादप को मिलती है, ऐसी की ऐसी दशा और अनुकूलन, ऐसे का ऐसा एडेप्टेशन, ऐसा का ऐसा अनुकूलन हमें लैब के अंदर इसको क्या करना है, देना। तो कल्चर रूम एक अलग से बना हुआ होता है, उस कल्चर रूम में ये सब वायुमंडलीय आर्द्रता, प्रकाश, ताप, इसके अलावा पोषक तत्व इसके अंदर है, जितनी भी बाहरी वातावरण में जो कंडीशन होती है, ऐसी की ऐसी कंडीशन हम इनसाइड की लेबोरेटरी कंडीशन या इन विट्रो कल्चर के अंतर्गत देते हैं। कुछ समय के बाद जब हम देखते हैं तो ये जो आपका संवर्धन माध्यम, और इस संवर्धन माध्यम पर हमने जो एक्सप्लांट अपन ने इसमें इनोकुलेट किया था, सरोपित किया था, अब सरोपित किए हुए एक्सप्लांट कुछ समय के बाद है वो इस प्रकार के बंच में परिवर्तित हो जाता है। इसको मैं फोटो यहाँ पर बनाऊं तो इस प्रकार से अविभेदित कोशिकाओं का समूह क्या हो जाता है इस परखंडली के अंदर। अब पात्र समर्थन करने, तो पात्र कोई भी हो सकता, प्लास्टिक का, कांच का, परखंडली हो सकती है, कॉनिकल फ्लास्क हो सकता है, बीकर हो सकता है, और अन्य कोई सुटेबल एक्सपेरिमेंट है तो उसमें अपन इसको क्या करवा सकते हैं, समर्थित करवा सकते हैं। तो पात्र ले लिया, इस परखंडली में अपन ने क्या बना दिया, ये बना दिया कैलस। क्या बना दिया, कैलस। कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएशन मास ऑफ द सेल, मास ऑफ द सेल, कोशिकाओं का अविभेदित समूह, कोशिकाओं का अविभेदित समूह क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। अब हमने ऐसा प्रोसेस करके इन विट्रो कंडीशन में क्या निर्मित कर लिया, कैलस का है वो कल्चर।
कर लिया। अब कैलस हमारे पास बन गया, ठीक। अब कैलस बन गया, अब इस कैलस से अपन दो प्रोसेस, इस कैलस से दो प्रोसेस होगा, एक तो अंग जनन की क्रिया करवाएंगे और अंग जनन की क्रिया से अपन संपूर्ण पादप निर्मित कर सकते हैं। दूसरी प्रोसेस हमारे पास है सोमेटिक एम्ब्रियो, कायिक भ्रूण, और इस कायिक भ्रूण से अपन संपूर्ण पादप विकसित कर सकते हैं। ये कैलस बनने के बाद की बात है, पहले कैलस बनाएंगे, कैलस बनाने के बाद अंग जनन की प्रक्रिया करवाएंगे, अंग जनन से संपूर्ण पादप को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। अब जो अपन ने पहले कैलस के संवर्धन के लिए जो संवर्धन माध्यम बनाया था वो सेम का सेम संवर्धन माध्यम काम में नहीं आएगा। अब हमें कल्चर मीडियम क्या बनाना है, न्यू सिंथेसाइज, नया कल्चर मीडियम बनाना है, और उस नए कल्चर मीडियम में पीजीआर, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें अपन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के अनुपात की क्या करेंगे, बात करेंगे, उनके ऊपर निर्भर करेगा कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन पीजीआर की आप कितनी कंटेंट मात्रा ले रहे, उसके ऊपर आपका अंग क्या होगा, विकसित होगा। जो अंग विकसित करना चाहते हैं उसी अनुपात में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो डालेंगे, जिसके माध्यम से उसके बाद है वो आपका संपूर्ण पादप विकसित किया जा सकता है। तो अभी अपन ने कैलस बना लिया, कैलस का संवर्धन हो जाता है, कैलस के संवर्धन होने के बाद यहां से अपन इस कैलस से दो प्रोसेस कर सकते हैं, एक तो अंग जनन के माध्यम से एंटायर प्लांट को विकसित कर सकते हैं और दूसरा कायिक भ्रूणोद्भवन या सोमेटिक एम्ब्रियो के माध्यम से संपूर्ण पादप को विकसित कर सकते हैं। तो अब आपको बताएंगे कि कैलस बन गया और कैलस से अब अपन ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया को किस प्रकार से संपादित करना कर सकते हैं। अब अपने पास कैलस बन गया, अब इस कैलस से अपन को क्या करना है, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस करवानी है। अब ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस करवाने के लिए हमें एक नया संवर्धन माध्यम बनाना पड़ेगा, लेकिन कि आप इस कैलस से क्या बनाना चाहते हैं, रूट बनाना चाहते हैं, क्या बनाना, जड़ बनाना चाहते हैं। यदि जड़ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कल्चर मीडियम संवर्धन माध्यम नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो संवर्धन माध्यम आपने ये संवर्धन माध्यम वापिस पुनः नया बनाया है, इस नए संवर्धन माध्यम में आप साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की मात्रा क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। मान लो यहाँ पर आपने 10 ppm या 100 ppm मात्रा है उसके अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रखी। तो जैसे ही अब ये आपने नया कल्चर मीडियम बना लिया, नए कल्चर मीडियम में आपने साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जैसे पीजीआर को इस कल्चर मीडियम के अंदर क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। अब इसमें आप जो कैलस बना हुआ था उस कैलस को इसके अंदर वापस क्या करोगे, स्थानांतरित करोगे। यहाँ पर आप क्या डालोगे, कैलस डालोगे। जैसे ही आप यहाँ पर कैलस डालोगे तो इस परतनली के अंदर आपके इस संवर्धन माध्यम में जो कैलस था उस कैलस से क्या बढ़ेगी, जड़ का विकास होगा। किसका विकास होगा, ये बहुत सारी जड़ें निर्मित हो जाती है। इस प्रकार जो अंग जनन की क्रिया के माध्यम से जड़ का विकास होता है इसको कहते हैं जड़ जनन। क्या कहते हैं, हिंदी में मैं कहना चाहूं तो इसको कहते हैं जड़ जनन, या इंग्लिश में अपन कहते हैं इसको कहते हैं राइजोजेनेसिस, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस है, कैलस अपने पास बन गया था, कैलस से अपने को क्या प्रोसेस करवानी है, अंग जनन या ऑर्गेनोजेनेसिस करवानी। ऑर्गेनोजेनेसिस करवाने के लिए हमें नया संवर्धन माध्यम तैयार करना पड़ेगा और जो नया संवर्धन माध्यम तैयार किया है उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो हाईएस्ट रखेंगे, और जैसे ही हाईएस्ट रखेंगे और उनके बाद कैलस को इनके अंदर इनोकुलेट करेंगे, उसके बाद आपका इस संवर्धन माध्यम में क्या विकसित होगा, जड़ विकसित होगा। और इस प्रकार जड़ विकसित करने की प्रक्रिया को राइजोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक, क्लियर है। दूसरी चीज कि सर नहीं, हम तो इस कैलस से जड़ नहीं बनाना चाहते, और क्या बनाना चाहते हैं, तना बनाना चाहते हैं, सूट बनाना चाहते हैं। और आप सूट बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस है, आप नया संवर्धन माध्यम बनाओगे, नए संवर्धन माध्यम में अब यहाँ पर एडिशन हाईएस्ट मिला रहे थे क्या, 100 ppm ये मिला रहे थे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन
अब यहाँ पर क्या मिलाऊंगे आप, साइटोकाइनिन ए और ऑक्सिन डी मिलाऊंगे, लेकिन इसकी कंटेंट मात्रा लवणस्थ अम्ल में निम्न मात्रा लोगे। निम्न मात्रा किसकी लोगे? साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, जैसे पीजीआर में जैसे ही निम्न मात्रा ली और उनके बाद संवर्धन माध्यम तैयार हो जाने के बाद आप इसके अंदर जो पहले कैलस बना हुआ था उस कैलस को इसके अंदर क्या करेंगे? स्थानांतरित करेंगे। जैसे ही स्थानांतरित करने के बाद कुछ समय के बाद इसके अंदर आपके क्या बनेगा? तना विकसित होगा, सूट बनेगा। अब जो ये आपने संवर्धन माध्यम नया तैयार किया है, इस संवर्धन माध्यम में आपका क्या विकसित होगा? तना विकसित होगा। इस प्रकार कृत्रिम रूप से तना डेवलप करने की जो पूरी प्रक्रिया है इसको कहते हैं कैलोजेनेसिस या परोजनन या तना जनन, या इसको कहते हैं कैलोजेनेसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो अब इस प्रकार से आप इस कैलस से जड़ बना सकते हैं, इस कैलस से तना बना सकते हैं। अब तना जड़ बन गई, जड़ से आप एंटायर संपूर्ण पादप विकसित कर सकते हैं, तना बन गया, तने से संपूर्ण पादप विकसित किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी टेक्निक्स है, प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप एंटायर प्लांट को विकसित कर सकते हैं।